Hey everyone, welcome to the episode 9 of Sindhi Food Series with Manisha Golani. So, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू स्टफ्ड ब्रेड रोल. ये बहुत ही क्रिस्पी यमी डिलीशियस रेसिपी होती है. इसे आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो. ये हर सिंधी में मोस्टली घरों में बनती है. इसमें आलू का बहुत ही मसालेदार स्टफिंग होती है और कोई एक ईजी रेसिपी है. ये मेरी मॉम की रेसिपी है. अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना और सजेशन देना कि और रेसिपी कौन सी अपलोड करूं. क्या बना रही हूं? रोलर्स. सो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को. सबसे पहले यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू 3 छील लिए. क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लेना, कम या ज़्यादा. ज़्यादा आलू भी ले सकते हो. यहाँ पे मैं आलूओं को एक एक करके रफली चॉप कर लूँगी मिक्सिंग बाउल में. और उसके बाद हम यहाँ पे मसाला डालेंगे एक एक करके. जैसे 1/4 टेबल स्पून सौंफ, 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च. स्पाइसी मैंने यहाँ कम रखा है. अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप हरी मिर्ची और ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हो. इसे अब हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे. उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं चॉपिंग बोर्ड पे और उसको एक एक करके यहाँ पे साइड का जो क्रस्ट है वो चारों कॉर्नर से कट कर देंगे नाइफ की मदद से. तो यहाँ पे सारी ब्रेड को हमने कर दिया है. लगभग मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड ली है. कुछ इस तरह से कट करना है. अब यहाँ पे बाउल में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसमें ब्रेड पूरी डिप कर देंगे और ध्यान से आराम से हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ताकि थोड़ा जो पानी है इसका वो निकल जाए. उसके बाद यहाँ पे स्टफिंग ले लेंगे और इसे शेप दे देंगे, गोल शेप दे देंगे. शेप देने के बाद इसको ब्रेड के बीच में रख देंगे और ब्रेड को चारों तरफ से हल्के हाथों से इसे अच्छे से पैक कर देंगे और एक अच्छा सा शेप दे देंगे, राउंड शेप. इसे आपको पैक ध्यान से करना है. अगर थोड़ा सा भी खुला हुआ हो, क्योंकि हम यहाँ पे डीप फ्राई करेंगे, अगर थोड़ा सा भी खुल जाएगा कहीं से तो वो क्या होगा, डीप फ्राई में सारा का सारा आलू स्टफिंग स्प्रेड आउट हो जाएगा. तो इसमें एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ब्रेड को जब भी पानी में डिप करो तो हल्के हाथ से निकाल लो ताकि ब्रेड टूटे भी नहीं. और जो आलू की स्टफिंग है वो आपको सेंटर से करनी है ताकि बहुत इजी हो जाएगा सब जगह से पैक करने के लिए. ये देखिए कुछ इस तरह से रोलर्स हमारे बनेंगे. तो ये हमारे ब्रेड रोल बनके तैयार है. अब हम इसे फ्राई करेंगे. कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे और एक एक करके रोलर डाल देंगे. तेल कम गरम होगा तो जो हमारी जो ब्रेड है, ब्रेड रोल है, वो काफ़ी मॉइस्ट है. तो जिससे क्या है, पूरा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा ब्रेड रोल. इसलिए हमें तेल कम गरम भी नहीं करना और ज़्यादा गरम भी नहीं करना. ज़्यादा गरम से ऊपर ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे. तो मीडियम गरम करना है. इसमें ऑयल का टेम्परेचर ज़रूर से ज़रूर चेक करना है आपको और बीच बीच में से आपको इसको आगे पीछे से टर्न करना है ताकि जो कलर है इसका वो एकदम सेम कलर बैठे आगे और पीछे से भी. हल्का ब्राउन होने तक इसे तलेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे, ना ज़्यादा ना ही कम फ्लेम पे. इसे आपको बीच बीच में घुमाना है और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है इसका. अब हम प्लेट में नीचे टिश्यू पेपर डाल देंगे और एक एक करके निकालेंगे. टिश्यू पेपर से क्या होगा, जो सारा हमारा ऑयल है, एक्सेस ऑयल, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो ये बनके तैयार है हमारे आलू स्टफ ब्रेड रोल. इसे ब्रेड रोलर्स भी कहते हैं और इसे आप टमाटो चटनी या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो. काफ़ी अच्छी क्विक रेसिपी है. ये मेरी मॉम की रेसिपी है. इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये मेरी सिंधी फूड सीरीज़ एपिसोड कैसे लग रहे हैं ये भी बताना. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.